everything that we do here is to empower people, whether in their physical fitness or in their mental aptitude or in their emotional state. हिमाचल आजकल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं एम्पावर एक्टिविटी कैंप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर सुशील भसीन। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल आजकल की खास पेशकश में। धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहेंगे एम्पावर एक्टिविटी कैंप, इसकी शुरुआत कब हुई और इसके बारे में बताइए सर। मैं इंडियन आर्मी में था 34 साल के लिए, और 2002 की बात है कि मेरे को आर्मी स्कूल बरेली का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और उसमें कुछ ऐसी घटना हुई कि जब मैं उस स्कूल के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा था तो 800 बच्चों ने एक स्क्रॉल के ऊपर मेरे को थैंक यू नोट लिख के दिया, जिससे मेरे को लगा कि अब कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। तो मैंने एक फैसला किया कि आर्मी छोड़ के मेरे को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो मेरे साथ मेरे 3 कज़न्स हैं, कर्नल कोहली, मिस्टर अनिल भसीन और सलिल भाटिया। तो इन तीनों को मैंने बोला कि हम कुछ करें इकट्ठे। तो हमारे पास एक लैंड था, ज़मीन थी वहाँ पे बॉम्बे के पास। तो इस तरीके से ये एक जो एक आइडिया एक उत्पन्न हुआ दिमाग में, तो उसको लेकर हम चले। और पहले हमने सोचा हम एक स्कूल बनाएंगे, लेकिन स्कूल कुछ रूटीन काम था, मतलब कि एक स्कूल तो आमतौर पे होते ही हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं हम कुछ हटके करें, कुछ नई चीज़ करें। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस की किताब पढ़ी हमने, और उससे एक आइडिया मिला कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ को यूज़ करके, एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज़ के की मदद से हम कुछ ऐसी सिखलाई करें जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़े। शुरुआत कब हुई? ये जैसे मैंने आपको बताया 2002 में मैं जब आर्मी स्कूल में था तो ये एक विचार आना शुरू हुआ, और इसका जो सही रूप आया वो 2004 में जब मैंने आर्मी छोड़ी और हमने फिर ये कैंप कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। 2006 में जाके ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई और उसके बाद हमारे कैंप रेगुलरली चलने लगे। लेकिन 2004 से लेकर 2006 तक हम दूसरी जगह जाके ट्रेनिंग करते रहे। जी, पहला कैंप कहाँ पर आयोजित किया गया और कितने सदस्य उसमें शामिल हुए? पहला कैंप अलीबाग में था, एक कंपनी टाटा इंडिकॉम हमारी पहली क्लाइंट थी, और तकरीबन 24 के करीब उसमें क्लाइंट्स थे। तो एक टीम बिल्डिंग प्रोग्राम हमने अलीबाग में जाके किया। बात करें एम्पावर एक्टिविटी कैंप की, तो वास्तविक रूप में है क्या, किस तरह की प्रक्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सी, एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। हमारा मानना है सुनते सुनते हम तंग आ जाते हैं, बचपन से लेके अपने माता पिता की बात सुननी, स्कूल में आना तो अपने टीचर की बात सुननी, और उसके बाद जब काम पे लग गए तो या अपने हस्बैंड की वाइफ की बात सुननी, साथ में अपने बॉस की बात सुननी। तो बात सुन सुन के हमको लगता है यार अभी मेरे को आता है, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को ज्ञान मत दो। आजकल बहुत बच्चे आपको बोलेंगे ज्ञान मत दो मेरे को, ये मैं इंटरनेट पे भी देख लूंगा। तो मैं आपको कुछ बताने की बजाय अगर एक ऐसी स्थिति स्थापित करूँ जिसमें आपको खुद एहसास हो, अगर मैं आपको रोज बोलूँ कि आपको लेट नहीं आना चाहिए, आपको टाइम पर आना चाहिए, उसके विपरीत मैं आपको कुछ ऐसा अनुभव दिलाऊं जिससे आपको लगे कि मेरे को टाइम पे आना चाहिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा मजबूत है। उससे जो सिखलाई है वो लंबे दौर तक चलती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सर, ये कैंप हर वर्ग के लिए है, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, हम सब बच्चों के लिए कैंप करते हैं, 8 साल की उम्र से लेकर 80 साल के बच्चों के। जी सर, बात करें बच्चों की, तो बच्चों के लिए किस तरह की प्रक्रियाएं
रखी जाती हैं उसके बारे में बताएं। हाँ, मैं आपको पहले ये बताऊं कि हम क्या करते हैं। हम एडवेंचर एंड आउटडोर्स इन दोनों को एक टूल फॉर लर्निंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए जरिया है जिससे हम उनको सिखाते हैं। तो जब हम एडवेंचर एंड आउटडोर्स की बात करते हैं तो हमारे पूरे प्रोग्राम फन बेस्ड हैं, मज़े के हैं। तो जो बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है इसके बजाय कि हम उनको क्लासरूम में पढ़ाएं। तो होता क्या है कि जब हमारे पास एक कैंप आता है तो हम बच्चों से ही पूछते हैं कि आपको क्या करना है, और एक ऐसी स्थिति स्थापित कर देते हैं कि उसमें उनको जो उनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है, तो उनको ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर कुछ ज़बरदस्ती ठोंसा जा रहा है। तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि आप ये एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे। उनको पहले पिक्चर्स दिखा देते हैं, उनको रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग कराते हैं, उनको जॉर्बिंग कराते हैं, राफ्ट बिल्डिंग कराते हैं, पानी में ले जाते हैं, उनसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें कराते हैं, उनसे मड कासल करा दिया, उनसे हमने कुछ फ्लैग्स बनवा दिए, उनसे एक कोई गेम है, एक अंडा 30 फुट की ऊंचाई से गिराना है, तो कैसे वो एक कुछ ऐसी चीज तैयार करें जिससे कि वो अंडा 30 फुट से भी गिरने से टूटे नहीं। ठीक है, उसमें बहुत कुछ होता है, उसकी रीजनिंग आती है कि अंडा टूटता क्यों है, तो उसको कैसे बचाव करना है। सो जितनी भी एक्टिविटीज हैं इंक्लूडिंग कैंप फायर करते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, हम उनको ट्रैकिंग में ले जाते हैं और वो नेचुरल चीज़ों का एक कोलाज बनाते हैं आके, तो ये सब चीज़ों से उनको अनुभव से सीखने को मिलता है। सो दैट इज एक्सपीरियंशियल। I have in fact used Empower even in the past in my past organization, and I found that their programs give a lot of values. That's the reason I decided to do an outbound training program with Empower. एक होता है pure adventure कि हम जाते हैं मजे के लिए, हमने rock climbing करनी है, हमको थोड़ा शौक है, एक चुनौती है, हमने TV पे लोगों को देखा करते हुए तो हम भी जाके करेंगे, तो वो एक शौक पूरा करने के लिए होता है। हम जो करते हैं उसको कहते हैं processed adventure, कि वही activity करने के बाद हम एक debriefing करते हैं जहाँ हम सब बैठ के बातचीत करते हैं कि इससे आपने क्या सीखा। तो जब लोग अपना अनुभव बताते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, तो उनके अनुभव से सीखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अब बचपन में आपको याद होगा कि कभी आप जब बहुत छोटे बच्चे थे और किचन की तरफ जा रहे हैं, आग है वहाँ पर, अंगीठी है या गैस है, और आपकी मदर पीछे से भागती भागती आई और उन्होंने बोला मत जाओ जल जाओगे, तो आपको जलने का तो मतलब नहीं पता था जी। आपने फिर भी हाथ लगा दिया और जल गए। क्या कभी भी आपने आपकी मम्मी को वापस जाके पूछा कि मम्मी जलने का मतलब सिखा दो? वो एक अनुभव ऐसा हुआ कि सारी जिंदगी के लिए समझ में आ गई कि आग के पास जाओ तो कैसे जलते हैं। या अगर हम एक माचिस की तीली से आग लगाते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता है कि माचिस की तीली कब छोड़नी है। एक अनुभव हो गया कि अब इससे ज्यादा मैं माचिस की तीली अपने हाथ में रखूंगा तो ये मेरा हाथ जल जाएगा। तो जो हम अनुभव से सीखते हैं वो सारी जिंदगी के लिए सीखते हैं। हमने साइकिल चलाना सीखा तो जो साइकिल का बैलेंस हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा फिर वो सारी जिंदगी रहता है। लेकिन जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम याद की थी स्कूल में वो भूल जाता हूँ क्योंकि वो मेरे को बताई गई थी, मैंने अनुभव नहीं की थी। तो ये एक जो प्रिंसिपल है, एक ये हमारा जो सिद्धांत है, हम इसको इसी के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं। मैं 2 साल अमेरिका भी होके आया हूँ, वहाँ भी हमने दुनिया में जो बाकी कंट्रीज़ के एक्सपीरियंशियल एजुकेटर्स हैं, स्कूल्स के स्पेशल एजुकेटर्स, कॉरपोरेट ट्रेनर्स, सबके साथ जाके मैंने उनसे इंटरेक्शन किया है, उनसे मेलजोल किया है, और उससे पता चला कि बाकी दुनिया में भी कैसे करते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि जब मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया तो किसी ने एक अपना इतिहास बनाना शुरू किया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूके में सबसे पहले स्टार्ट हुई 50 साल पहले और यूएसए में 20 साल पहले। तो मैंने खड़े होकर बोला कि ये बिल्कुल गलत है, हिंदुस्तान में एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितने हजारों सालों से चल रही है और वो है गुरुकुल सिस्टम। जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था वो एग्जैक्टली यही था, और जो हम अभी प्रोग्राम करते हैं जैसे कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए करते हैं तो उसको काफ़ी गुरुकुल सिस्टम के साथ
मेलजोल कर सकते हैं आप, बिल्कुल वैसी आप तुलना कर सकते हैं कि वो वैसे ही होता है जैसा कि एक गुरुकुल में होता था। खाली ये कि हम उसमें गुरु नहीं रहते, हम फैसिलिटेटर हैं, हम बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको अनुभव से सिखाएंगे जैसे कि वो गुरु शिष्यों को अनुभव से सिखाते थे और उनको वो भाषण दे के नहीं सिखाते। एक्टिविटी कैंप कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है, कितने दिन में पूरा होता है? जो मेन बात यह है कि हम ये प्रोग्राम करते हैं क्लाइंट के ज़रूरत के हिसाब से, तो चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे टीचर्स की ट्रेनिंग है और चाहे कॉरपोरेट ट्रेनिंग है। हम जानना चाहते हैं मैनेजमेंट से कि आपको इस प्रोग्राम में चाहिए क्या, और फिर हम उनको ये सुझाव देते हैं कि ये 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में प्रोग्राम अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि जहां हम 4 दिन का प्रोग्राम सुझाव देते हैं, ना कंपनियों के पास ना स्कूल्स के पास इतना समय होता है, तो फिर वो कहते हैं नहीं हम 2 ही दिन में करेंगे, तो फिर हम उसको 2 दिन में एडजस्ट करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये एक आपस में क्लाइंट और हमारे साथ जो एक बातचीत होती है उसके हिसाब से तय होता है कि प्रोग्राम की ज़रूरत कितने दिन की है और वो कितने दिन दे सकते हैं। जी। तो इससे कम का प्रोग्राम नहीं होता है, एक अच्छा टीम बिल्डिंग प्रोग्राम जिससे कुछ हम नतीजे हासिल कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 दिन का होना चाहिए। हम तो 3 दिन का नॉर्मली हम सुझाव देते हैं, लेकिन 2 दिन का, 2 दिन से कम में कुछ बात नहीं। एम्पावर एक्टिविटी कैंप में अब तक कितने सदस्य शामिल हैं? सी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 3 पार्टनर हैं यहाँ पर इंडिया में, कर्नल नवल कोहली हैं और मिस्टर अनिल बसीन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं, हमने आपस में ड्यूटीज़ बांटी हुई हैं, और एक हमारे पार्टनर वो लंदन में है, मिस्टर सलील भाटिया। इसके अलावा हमारे पास एक टीम है ट्रेनर्स की, और उसमें हमारे पास 2 कर्नल हैं आर्मी के, कर्नल हलाडी हैं, कर्नल आईपी सिंह हैं, एक मिस्टर आनंद हैं, एक मिस नीलू हैं, मिसेज नीलू ग्रोवर। तो ऐसे हमारे पास टीम है ट्रेनर्स की, और ये ट्रेनर्स ज़रूरत के हिसाब से, मतलब ऑन डेली बेसिस, जैसे फ्रीलांस ट्रेनर्स कहते हैं इनको, तो जब उनकी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के हिसाब से, जिस तरह का क्लाइंट है, जिस तरीके का लेवल है, सीनियर लोग हैं, जूनियर लोग हैं, बच्चे हैं, उसके हिसाब से जो हम ट्रेनर समझते हैं सबसे सही रहेगा उनके लिए, वो उनको बुलाते हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊँ कि टोटल कैंप जो हमने किए हैं तकरीबन, एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़ा नहीं है, पर 450 से ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, और इसमें से कम 50 प्रोग्राम ऐसे हैं जो हमने अपने कैंप के बाहर किए हैं। जैसे हमने हिमाचल में किए हैं, बड़ोग में एक पाइन हिल इको कैंप है, मेरे एक फ्रेंड हैं जनरल हरवंत सिंह, उनका है, तो उनके साथ हमारा काफ़ी मेलजोल है, और हम बॉम्बे से अपना ग्रुप लेके आते हैं और यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे ही हमने दिल्ली में किया है, कलकत्ता में किए हैं, गोवा में किए हैं, अभी हमने रायपुर में इस्टेब्लिश किया एक रिजॉर्ट के साथ टाई अप, तो वहाँ कर रहे हैं, और इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया हमने त्रिवेंद्रम, गोवा, बहुत जगह कैंप किए। लोगों में किस तरह का उत्साह रहा है अभी तक, किस तरह का अनुभव रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी तो ना बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे साथ जो कैंप करके जाते हैं, और ख़ासकर के बच्चे, वो बहुत 2-2, 4-4 साल के बाद भी उनके मेरे को मेल भी आते हैं, उनके साथ मेरी फेसबुक पे चैट होती है। मेरे स्टूडेंट्स ने फेसबुक के ऊपर एक सुशील बसीन फ़ैन क्लब बनाया हुआ है, मेरे लिंक्डइन पे अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत कॉरपोरेट ट्रेनर जो ट्रेनिंग कर चुके हैं मेरे साथ, वो भी वापस आके बोलते हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन लाया है, या मेरी ज़िंदगी में इस कैंप का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मेरे को तो इसका बहुत उत्साह दिखता है, इतना हमको बिजनेस की तरफ से फ़ायदा नहीं हुआ है जितना कि हमें जो एक हमारा पैशन था, एक चाह थी कि हम कुछ कर सकें, तो उसमें तो मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन है कि जो भी प्रोग्राम करके जाता है
ज़्यादातर हमको यही सुनने को मिलता है कि हमारे प्रोग्राम से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। सी हमारा जो प्रोग्राम है, मैं कोशिश करता हूँ क्लाइंट को बोलने की कि आप शाम को आ जाओ, क्योंकि हम जो सुबह का समय है ना वो वेस्ट नहीं करना चाहते। तो अगर बॉम्बे से कोई सुबह चलता है तो जब तक हमारे पास आएगा 10-11 बज जाएंगे और धूप निकल आएगी, उसको ब्रेकफास्ट देंगे, वो सुबह 4 बजे का उठा होगा तो वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एक आदमी जिसको नींद आ रही है वो क्या प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। तो प्रोग्राम सुबह से बताता हूँ आपको, हम तकरीबन हमारा एक तरीका है कि हम 6 बजे उठा देते हैं सबको, 6:30 बजे हमारा दिन स्टार्ट होता है एक प्रेयर से, एक यूनिवर्सल प्रेयर, एक पेड़ के नीचे खड़े होके एक थोड़ी प्रेयर करते हैं। उसके बाद हम कुछ एनर्जाइजर करते हैं, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, सो एवरीवन यू नो विद लॉट ऑफ एनर्जी से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वो करते हैं। और उसके बाद हमारा एक मॉर्निंग सेशन रहता है 1-1.5 घंटे का, जिसका एक मकसद है। मकसद ये है कि क्या हम जब पीटी करते हैं सुबह या व्यायाम करते हैं तो लगता है बहुत मुश्किल है, सुबह उठना मुश्किल लगता है, व्यायाम करना मुश्किल लगता है। आजकल की जो पीढ़ी है इसके ऊपर बहुत निग्लेक्ट कर रही है, हम अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम एक मैसेज देते हैं कि देखो आपको कुछ समय, चाहे 10-15 मिनट भी लगाओ, लेकिन आपको अपना शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मॉर्निंग सेशन होता है जिसमें हंसते खेलते डांस करते म्यूजिक के साथ एक्सरसाइजेज होती हैं। बड़ा अच्छा एक गाना है तो वो बहुत पॉपुलर हो गया है, और जो भी हमारा प्रोग्राम करके जाता है उसको हरियाली जरूर याद आती है। और उसके बाद फिर हम उनको 1 घंटे का ब्रेक देते हैं जिसमें वो ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते धोते हैं, और उसके बाद एक ओरिएंटेशन सेशन होता है जिसमें कि हम उनको बताते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आउटवर्ड बाउंड क्या चीज़ है, आप अपने आप क्यों नहीं, क्यों हम ये प्रोग्राम बॉम्बे में नहीं कर रहे हैं, क्यों हम आपको यहाँ लाए हैं। तो उसका एक जैसे नेवी में कहते हैं कि व्हेन अ शिप इज़ आउटवर्ड बाउंड, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर सी में चले गई। तो इसी तरीके से हम आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लाए हैं एक ओपन एरिया में, जहाँ पे जो रिसेप्शन है, जो आपका जो स्वीकार करने का जो मादा है वो बढ़ जाता है। आप एक जो भी आप एक दूसरे से सीखेंगे वो आपके आप उसको जब्त करेंगे, ज़्यादा अच्छा स्वीकार करेंगे। तो ये एक ओरिएंटेशन सेशन के बाद फिर हम उनको टीम्स में बांटते हैं और वो टीम्स के नारे लगते हैं, उनके स्लोगन्स होते हैं, ताकि उनको एक टीम बॉन्डिंग से हो जाए। और अगले 2 दिन जो भी उन्होंने टीम की तरह करना है तो उनका एक टीम फॉर्मेशन करना है, क्योंकि हम वो जो टीम्स बनती हैं वो एडहॉक बनती हैं, तो उसमें कोई किसी को सिलेक्शन करके तो डाला नहीं गया, तो जो एडहॉक टीम है तो उसको एक दूसरे से मेलजोल हो जाए तो वो करते हैं। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा तरीका ये है कि सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो फिजिकली, हमारी रेटिंग होती है फिजिकल एंड मेंटल। सो ऑन अ स्केल ऑफ 10 हम बोलते हैं कि ये फिजिकल 6 है और मेंटल 5 है, या ये मेंटल 2 है और फिजिकल 8 है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है कि एक फिजिकल कितना उसमें एफर्ट लगेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकली लो से, ठीक है, एंड सो दैट एक टीम बॉन्ड हो जाए, एक दूसरे को जान जाए। फिर लंच के बाद हम उनको एक सॉफ्ट एक्टिविटी देते हैं, नॉर्मली एक इंडोर कम्युनिकेशन एक्टिविटी या एक लाइफ लाइन होती है जिसमें एक दूसरे के वो अपना ग्राफ लिखते हैं अपनी लाइफ का और एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे लेसन्स मिलते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। 4 बजे तक हम उनको कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं कराते, क्योंकि लंच खाया है, दोपहर का टाइम है, तो वो हम ज़्यादा इनडोर एक्टिविटीज़ पर होती सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर है। और फिर 4 बजे हम उनको फिर कोई टफ एक्टिविटी में ले जाते हैं। आस्ता आस्ता हम जो है डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वो टीम अभी फॉर्म होती जा रही है और एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का सही इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, लीडरशिप इस्टेब्लिश हो रही है। तो ऐसे करके फिर वो शाम को तकरीबन हम 6-7 बजे तक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, डिस्कशंस होती हैं, लेकिन डिस्कशंस, ओपन फोरम, एक मी टाइम होता है। हम कुछ टाइम देते हैं कि जो स्टूडेंट्स बैठ के आपस में कहेंगे आज हमने क्या सीखा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ये वो, लेकिन हम उनको सोने नहीं देते हैं 11 बजे तक, ठीक है। और 11 बजे से लेकर 6 बजे तक हम बोलते हैं 7 घंटे बहुत हैं सोने के लिए। और जब वो 11 बजे हम उनको कभी पूछते हैं कि आप कितने घंटे हो गए आपको काम किए, तो बोलते हैं हमको 16 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। तो आप थके नहीं अभी तक? बोला बिल्कुल नहीं थके। तो यहाँ क्यों नहीं थके जब आप दफ्तर में तो 8 घंटे में ही थक जाते हैं? तो बोले यहाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर हम उनको ये एक मैसेज देते हैं कि अगर आप अपने काम को भी मज़ा बना लें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम को
इंजॉय करना सीख जाएं तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको काम काम नहीं लगेगा जी। ठीक है, तो 11 बजे सोते हैं, अगले दिन फिर सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे हम फिर वो मॉर्निंग सेशन रिपीट नहीं करते, फिर हम अगले दिन उनको पहाड़ी पे ले जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। वो एक आंख बंद करके एक हमारी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी होती है कि कैसे सबकी आंखें बंद हैं एक आदमी को छोड़ के, और वो कैसे मुश्किल से मुश्किल कठिन से कठिन जगह में चले जाते हैं और कोई गिरता नहीं है। तो एक बड़ा एक जो ट्रस्ट इस्टेब्लिश होता है, एक दूसरे में विश्वास पैदा होता है। तो ऐसे करके फिर वो आते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, फिर एक्टिविटीज जारी रहती हैं, और एंड में जो सबसे ज़रूरी जो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है क्लोजिंग सेशन है, जिसमें आपने अभी तक क्या किया, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, आपने क्या लेसन सीखे हैं, और सबको एक कमिटमेंट देनी पड़ती है कि हम जाके अभी अगले 2 महीने में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे अपनी कंपनी में, हम क्या योगदान देंगे, मतलब मैं एक व्यक्तिगत रूप में अपनी कंपनी के लिए क्या फ़ायदा करूँगा, ये मेरे को लिख के देना है, कमिटमेंट, एक वादा करना है कि मैं करूँगा। तो अब उसमें से कितना कोई 70% करता है, 80% करता है, वो उनके ऊपर है। तो हम यही बोलते हैं कि हम तो आपको इतना तक बता सकते हैं, आगे उसको जो इम्प्लीमेंट करना है वो आपको करना है। नॉलेज आपके पास थी, आप आए थे, आपके पास ज्ञान था, हमने आपको कोई नया ज्ञान नहीं दिया, हमने आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखाई, हमने तो आपको ये रियलाइज कराया कि तो आपको आता था, आप भूल रहे थे। ठीक है, तो आपके अंदर जो था वही हमने उसको आपको अनुभव कराया, आपको रियलाइज कराया, एक अंदर आपको एक एहसास दिलाया कि हमें ऐसा करना चाहिए। अभी आप उसको एक्शन में तब्दील करना आपका काम है, वो मैं नहीं कुछ कर सकता। My father says that son will do big name. शीला बदनाम हो गई, जवान हो गई, पर विनर इज पापा कहते हैं। गुड राइट, what you saw today particularly was Prahar. Now this is a very unique exercise that we do, and we have created this, it's our copyright, it is based on our army experience, and it involves around a team strategizing and planning a mission which involves various constraints, various variables to be balanced, and decision making to be done under very varying circumstances. There are a lot of situations in the corporate life today, and particularly in their company, where the pressures of work demand that do it. And when they say do it, they mean jump into action without planning. And today they've all realized that even if they have to spend a little time, jumping into action without planning is bad, is sometimes suicidal, and sometimes it may just work, but it's never a short solution. एम्पावर एक्टिविटी कैंप में खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था दी जाती है? जी हाँ, हमारे पास रहने के वी हैव गॉट कॉटेजेस, एयर कंडीशन कॉटेजेस हैं, 14 हमारे पास टेंट है, एक्सपोर्ट क्वालिटी टेंट्स हैं, और अटैच बाथरूम है उनमें, और फिर 2 डॉमेट्रीज हैं। डॉमेट्रीज हमने शुरू में बनाई थी खाली बच्चों के लिए, लेकिन आजकल उसका काफ़ी उपयोग कॉरपोरेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है और सबको समझ में आया है कि जब 20 लोग इकट्ठे रहते हैं कमरे में और उनको 3 बाथरूम, 3 लेटरिंग्स और 3 वॉश बेसिन शेयर करने हैं, तो एक दूसरे से जो एक दूसरे से शेयर करने का मादा, एक दूसरे के साथ रहना, तो उससे जो बॉन्डिंग बढ़ती है वो इंडिविजुअल कॉटेजेस और टेंट्स में नहीं बढ़ती जी। तो ऐसे हम 120 लोग के करीब अपने जगह रख सकते हैं जी। और हमारा अपना किचन है, खाने के लिहाज से जैसे कभी डे प्रोग्राम्स भी आते हैं जो सुबह ले आके शाम को जाते हैं, तो खाली खाने के लिए तो हम तक 200-300 लोगों को खाना खिला सकते हैं जी। सर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में अब तक कितने एम्पावर एक्टिविटी कैंप लगाए गए थे? ज़्यादा नहीं, हमने तकरीबन 10 कैंप लगाए हैं हिमाचल में जी। और अभी हमारी बातचीत चल रही है मनाली में भी और शिमला में भी जी। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है हिमाचल के लिए, क्योंकि हिमाचल इतनी खूबसूरत जगह है और भगवान ने यहाँ बहुत कुछ दिया हुआ है, नदियाँ दी हैं, पहाड़ दिए हैं, बहुत सुंदर जगह दी हैं, और जो यहाँ पर जिन लोगों के पास ज़मीन है, रिजॉर्ट्स हैं, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के काफ़ी लोग इधर आ सकते हैं, और हिमाचल की जो अपनी इंडस्ट्री है, परवानू में है, बद्दी में है,
तो इन लोगों को भी काफी फायदा हो सकता है अगर इनको ये टीम बिल्डिंग और लीडरशिप प्रोग्राम्स के लिए इधर लाया जाए। मैं आपको इसके साथ एक और जुड़ी बात ये बताऊं कि जब हमने 8 साल पहले शुरू किया था तो एक कंपनी को जाके बोलना पड़ता था, समझाना पड़ता था और कन्विंस करना पड़ता था कि आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए जी। अब स्थिति बदल गई, अभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ट्रेनिंग ज़रूरी है। हर कॉरपोरेट में दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग है, अगर आप एक बैंक में हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, ये प्रोसेसेस क्या है, वो तो आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक मैकेनिक है तो उसको तो सीखना ही पड़ेगा कि मेरा काम क्या है, तो वो तो सब करते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो बिहेवियरल ट्रेनिंग है, लोग समझते हैं ये फालतू की, इसका कोई फायदा नहीं है, वो बहुत परिवर्तन हो गया है। आज बहुत लोग ये समझ गए हैं कि जो मेरी ह्यूमन वेल्थ है उसको मेरे को बढ़ाना है और उसको मेरे को और होशियार करना है, उसको मेरे को और एफिशिएंट बनाना है, और इसके लिए ट्रेनिंग करते हैं। तो हिमाचल में एक बहुत अच्छा मौका है कि हम जो दिल्ली की इंडस्ट्री है, पंजाब हरियाणा की इंडस्ट्री है, हिमाचल की इंडस्ट्री है, उनके लोगों को और स्कूल्स को और कॉलेजेस को यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिल स्टेशन में जाना पसंद करते हैं, और जो मैंने आपको बोला एक आउटवर्ड बाउंड की एक मेन चीज़ है कि अपनी जगह से निकल के बाहर जाना, एक नए वातावरण में रहना जहाँ की रिसेप्शन बेटर होती है, स्वीकार करते हैं ज़्यादा उसको। तो मेरे को लगता है कि हिमाचल में एक बहुत अच्छा मौका है जो पूरा अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया जा रहा है, और इसके बारे में सोचा जाए तो बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है। सर, अगर कोई व्यक्ति एम्पावर के कैंप से जुड़ना चाहता है और व्यक्तिगत तौर पर ये कैंप करना चाहता है तो किस तरह से वो अभी तक हम इंडिविजुअल कैंप्स खाली बच्चों के होते हैं, अभी तक कॉर्पोरेट में हमने शुरू किया है लेकिन अभी तक हमें उसकी कुछ खास सफलता नहीं मिली है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मे बी हमको थोड़ा उसका स्ट्रक्चर बदली करना पड़ेगा, पर इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। सर, आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है एम्पावर एक्टिविटी कैंप के साथ, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा आपका? मैं जब 34 साल आर्मी में रहा तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी थी और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, और एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया कि आर्मी छोड़ के, जबकि अभी मेरा बहुत अच्छा करियर था और आगे बहुत तरक्की का चांस था, पर एक बच्चों के साथ जो प्यार हो गया बरेली में, बहुत वो ज़बरदस्त चीज़ थी मेरे लिए, और मेरे को लगा कि कुछ तो मैं, स्टूडेंट्स आर माई फेवरेट, मेरे को बहुत मज़ा आता है उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनसे जुड़ना। और अभी जो 8 सालों में मेरे को बहुत मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, एक तो मेरी फ्रीडम कि आर्मी में चाहे मैं किस भी रैंक में पहुँच जाऊँ तो रूल्स एंड रेगुलेशन से और बड़ी बंदिश से काम करना पड़ता है जी। मैं बैंगलोर में एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट कमांड करता था, तो अगर उसमें मेरे को एक पीरियड भी चेंज कर रहे हैं तो आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं अपनी मर्जी से अपने प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ, अपना सिलेबस बनाता हूँ, मेरे को कोई CBSE कोई ICSE कोई आर्मी हेडक्वार्टर्स किसी से पूछना नहीं है। तो जो हमारा एम्पावर एक्टिविटी कैंप है वो एक ह्यूमन लेबॉरेटरी, हम तरह तरह के जो जो साइकोलॉजिकली जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, हम एक एक्सटेंडेड टेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, और फिर हम उसको जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम वही बिहेवियर उनका देखते हैं कि जो कागज़ के ऊपर उनका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में बिहेवियर आया और जो उनका ज़मीन के ऊपर बिहेवियर है वो वही है कि अलग है, तो इट बिकम्स अ ह्यूमन लेबॉरेटरी फॉर अस। तो मेरे को तो ये प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग लगता है, बल्कि मेरे मेरे जीवन में मेरे साथ जो मेरे परिवार के, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फादर, वो ये समझते हैं कि ये पागल हो गया है, ये बस यही काम करता है और कोई काम ही नहीं करता है। और ये सही है कि मैं चाहे छुट्टी पर हूँ, चाहे दिन है चाहे रात है, मेरे को इसमें इतना मज़ा आ रहा है। सो दैट्स व्हाट आई से कि अगर आपको अपने काम में मज़ा आना शुरू हो जाए, तो कोई बोलता है आप कितने साल से काम कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ काम तो मैंने किया ही नहीं क्योंकि मैं तो अपने मज़े का काम कर रहा हूँ। सो आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ। सर, हिमाचल आजकल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को कोई संदेश देना चाहते थे? हाँ ज़रूर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल तो अभी भी बाकी जगह से अच्छी हालत में है, कि हम लोग कुछ इतना ज़्यादा इंडोर चले गए हैं कंप्यूटर गेम्स पे, टीवी पे,
कि हमने बाहर निकलना बंद कर दिया है और ये जो ऑनलाइन लोगों ने शुरू कर दिया है इसको थोड़ा ऑफलाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को बड़ों को थोड़ा बाहर निकलने का, थोड़ा प्रकृति से जुड़ना, गेम्स खेलना। हम छोटे थे, हम आज शिमला में ही थे तो बर्फ़ पड़ती थी तो हम स्लेज में जाते थे, हम स्केटिंग करते थे। आजकल सब वो टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं और निकलते नहीं हैं घर से। तो नई पीढ़ी के लिए और बड़ों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि हमें थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मैं खुद कंप्यूटर पे बहुत काम करता हूँ लेकिन बाहर निकल के थोड़ा ताज़ी हवा खाना, थोड़ा गेम्स खेलना, और इतनी अच्छी प्रकृति है यहाँ पे, इतनी ताज़ी हवा है और ट्रैकिंग कर सकते हैं यहाँ पर, जगह जगह जा सकते हैं देखने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पहाड़ से लेके नदियों से लेके सब कुछ है तो उसका क्यों नहीं हम फायदा उठाते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे ये शेयर करना और मैं चाहूँगा कि अगर मैं अपने प्रदेश के लिए, जहाँ मैं सारी ज़िंदगी रहा, यहाँ पढ़ा लिखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं हिमाचल के लिए किसी भी तरीके से अपनी तरफ से और एम्पावर एक्टिविटी कैंप की तरफ से कुछ भी योगदान कर सकूं। जी, एम्पावर एक्टिविटी कैंप जो सिखा रहा है लोगों को जीवन जीने की एक उत्तम कला, ये थी हिमाचल आजकल की एम्पावर एक्टिविटी कैंप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एक मुलाकात। हिमाचल आजकल की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ नीरू शर्मा। फील फ्री टू इंक्वायर एट info@empowercamp.com। कांटेक्ट सिंथिया ऑन 942-290-4887 एंड भावना ऑन 942-269-1325 और लॉग ऑन टू www.empowercamp.com। Members keep their organization strong while others join and just belong. Some do their best, some build, some make, some never give but always take. Some drag, some pull, some don't, some do. Now please decide which of these are you. So you will have to decide now whether you are a driving force in your team or are you a driven member in your team. I'm sure this company has gone back with one very clear learning that you can't start a work without planning.